हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का सातवां दिन, तो सातवें दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी गुड़ की खीर। तो इसको मैं नॉर्मल राइस से बना रही हूँ, भोग लगाने के लिए ही सिर्फ इसको बनाऊंगी। अगर आपको बनाना है इसको खाने के लिए भी, तो आप नॉर्मल राइस की जगह इसके अंदर डाल सकते हैं समा के राइस। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है घी, और घी के बाद डाल दिया है इसके अंदर राइस। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी चावल को दो से तीन बार धो लिया था अच्छे से, और वो डाल दिया है। तो मेजरमेंट क्या रहेगा, एक कटोरी आप चावल डाल रही हैं तो उसके अंदर तीन कटोरी पानी डालिए, क्योंकि हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो इसका डबल डलता है, और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो तीन गुना पानी इसके अंदर जाएगा। बस पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, जब तक कि जो हमारे राइस हैं 75% तक कुक ना हो जाए, मतलब हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे ढककर रख दिया है, और 5 मिनट के बाद देखिए हमारे जो राइस हैं अच्छे से कुक हो गए हैं, इन्होंने पानी भी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गुड़। तो एक कटोरी मैंने राइस लिया था, तो इसके अंदर एक कटोरी ही मैं गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि गुड़ में थोड़ा सा डर्ट है तो आप इसको पानी में भिगो के और स्ट्रेनर से छान के भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा जो गुड़ है बिल्कुल साफ था तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया है। और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे, गुड़ मेल्ट हो जाएगा। इसमें 1 से 2 मिनट ही लगेगा, देखिए 1 से 2 मिनट के बाद हमारा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया। थोड़े बहुत इसके अंदर पीसीज हैं वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो राइस हैं गर्म है। और बस देखिए जो गुड़ है हमारा अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, और 5 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे हम इसे ड्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारा गुड़ है अच्छे से हमारे राइस के अंदर मिक्स हो जाए और हमें जो खीर है फीकी ना लगे। देखिए राइस तो जो है हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, बट हम इसे थोड़ा सा ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो गुड़ का फ्लेवर है हमारे राइस के अंदर आ जाए। तो बस रेडी हो गई है, देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी गुड़ की खीर। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन सभी को हैप्पी नवरात्रि।